मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर दाऊद नासिर मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं ये जो कन्वेंशन है यहाँ पे अपना का। तो सबसे पहले तो मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि हमें कन्वेंशन के बारे में कुछ बताइए। जी, ये अपना की 41st एनुअल कन्वेंशन है। अपना जो है डिफरेंट कन्वेंशन करती हैं, सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर जो कन्वेंशन है वो समर की होती है। तो इस दफ़ा जो कन्वेंशन है इट इज़ इन एनाटोल हिल्टन, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल होटल इन डैलस टेक्सस। तो दिस इज़ अपना 41st एनुअल कन्वेंशन। इसमें हमने तकरीबन, हम एक्सपेक्ट करें कि तकरीबन 5000 लोग आएंगे, मोस्टली फिजिशियंस और उनके फैमिली और फ्रेंड्स। तो वी हैव अरेंज लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर देम, जैसे कि नए एजुकेशनल प्रोग्राम्स हमने इसमें बनाए हैं। यूथ कन्वेंशन हो रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अपना। उसमें यूथ की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, जैसे बास्केटबॉल चैम्पियनशिप है, चेस चैम्पियनशिप, डिबेट कम्पटिशन, ट्रिविया कम्पटिशन, और यूथ की एंटरटेनमेंट के लिए भी, और बाकी चीज़ें भी हमने बहुत अच्छी रखी हुई हैं। इनके लेक्चर्स हैं और लेक्चर जो हैं दे विल फोकस ऑन द इश्यूज़ ऑफ द किड्स, ऑफ द चिल्ड्रन हु आर बॉर्न ओवर हेयर, उनकी कैरियर डेवलपमेंट के लिए बारे में है। सो दैट इट वॉज अ हाईलाइट। उसके अलावा भी फैमिलीज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी हमने बहुत चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के जो टॉप आर्टिस्ट जो हैं, सिंगर्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज आतिफ़ असलम मौजूद हैं, कल नबील शौकत अली का प्रोग्राम हुआ था, कल मीका सिंह है, और उसके बाद फिर नेहा कक्कर भी हैं। अपना का बाज़ार भी लगा हुआ है जिसमें ज्वेलरी और क्लोथिंग और बाकी लोग हैं। इट कंटेन्स अबाउट 250 बूथ्स, और सब जो हैं इट इज़ पैक्ड, पीपल आर हैविंग फन, दे आर एंजॉइंग इट। सो इट इज़ एजुकेशनल, इट्स ऑल्सो प्लानिंग जो अपना करती है फिलंथ्रॉपिक एक्टिविटीज़। उसमें हमने मोबाइल हेल्थ केयर क्लिनिक जो है उसमें बनाया है, पाकिस्तान में हमने 2 दे दिए हैं, और वी आर प्लानिंग टू हैव 5 मोर फॉर पाकिस्तान, और अमेरिका में भी हमने, वी हैव 2, 1 इन डेलस एरिया एंड 1 इज़ न्यूयॉर्क एरिया। इसके अलावा फ्री क्लिनिक्स जो हैं, और हम ये भी सोच रहे हैं कि दफ़ा हम वी शुड स्टार्ट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, अब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, फॉर द जो ताकि इट विल बी अ प्राइड फॉर होल कम्युनिटी। सो दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू। डॉक्टर दाऊद नासिर, दिस इज़ अपना इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, और ये लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन है। तो ज़रा हमें ये बताइए कि ये जो इसकी प्रिपरेशन में व्हाट डज़ इट टेक टू यू नो ऑर्गेनाइज सच अ ह्यूमंगस इवेंट। इसमें हमारी पूरी टीम जो है काम कर रही है, हमारे पास 40-50 वॉलंटियर्स हैं, मोस्टली डॉक्टर्स, वो अपना टाइम निकाल के इसमें करते हैं। जैसे मैं काफ़ी अरसे से इसकी प्रिपरेशन और तैयारी कर रहा हूँ, although I am an anesthesiologist by profession, I'm pain specialist, but I'm at the stage of life where I can devote time. It's a huge big undertaking, and it takes more than almost a year to plan and to organize this huge meeting, or it is APPNA has become a brand, everybody wants to associate with it. It's one of the largest organization, aur uske baad ye hai ki people cannot imagine how much work it goes into, because it's not one day, it's 4-day event, aur hum chahte hain ki everybody should have a good time, educational program ho, scientific programs bhi ho rahe hote hain, aur uske baad जो है काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग प्रोग्राम्स भी हम करते हैं। जब हम कर रहे हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ इन पाकिस्तान, वो टॉपिक है, फैशन शो भी है, सो देर आर सो मेनी पीपल हु वर्क इन इट। फिर हमारे पास इस दफ़ा हमने ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल और लोगों को हमने हायर किया, सो दैट वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द मीटिंग्स। सो दैट्स व्हाई वी हैव लॉट ऑफ प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो। सो इट्स अ बिग अंडरटेकिंग एंड इट्स लॉट ऑफ मनी विच इज बीन सर्व्ड, एंड इट्स अ गुड कॉज। जिस भी मुल्क में ये जाते हैं, जिस शहर में भी हम करते हैं, उसकी इकानमी में इम्पैक्ट जो होता है वो इट इज़ क्लोज टू $10 million, बिकॉज ऑफ द सेल्स, बिकॉज ऑफ सेल्स टैक्स, बिकॉज ऑफ द होटल, बिकॉज ऑफ फूड एंड बेवरेजेज एंड ऑल द अदर थिंग्स, इट हैज़ अ लार्ज ऑफ इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑन दैट एरिया ऑल्सो। Thank you so much, and good luck with the rest of the. So far, the convention has been great, and we wish you best of luck for the rest of it. Thank you, ARY, for taking our message to the public. Thank you very much. I really appreciate your help.